नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एडियो का सिलेबस भी है, उसमें हम सोयल वाला टॉपिक ऑलरेडी बाय लक हमने शुरू किया हुआ है, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि हमारी एक यूनिट ख़त्म हो। तो आप निश्चिंत रहिए, हम पूरे सिलेबस को टाइम बाउंड ख़त्म करेंगे और अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, तब तक हमसे जुड़े रहिए। आज जो इस कंटिन्यूटी में सोयल में आता है वो एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर देखा जाए तो एसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, 64। 64 में से प्लांट के लिए मेजर कितने हैं, 17। 17 में कौन से हैं, मैक्रो और माइक्रो। इसके बाद क्या होता है कि इन 17 एलिमेंट्स में बड़ी बात क्या होती है, इनमें सबसे बड़ी बात होती है CHO। ये 95% 96% के करीब होते हैं। इसमें से अगर ये बात करें तो कार्बन 45, हाइड्रोजन 45 और ऑक्सीजन 5 से 6% के करीब होती है। उसके बाद और कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिनके हम चर्चा करते हैं, वो है NPK। और NPK कितना होता है, अगर प्लांट्स के ड्राई मैटर की बात करी जाए तो ये मैक्सिमम 2 से 3% के बीच होता है। तो इसको एवरेज में कहीं आए तो ये होएगा 2.7%, बाकी 2.5 से लेकर 3% तक आता है। आपके पास ऑप्शन तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जो मेजरली और हमारे पास न्यूट्रेंट्स बच जाते हैं रेस्ट देन दिस, वो 1.3 से 1.6% के बीच में रहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि टोटल जो कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट्स की वो कितनी वेरी करती है, वो केवल 2 से 3% के बीच में रह जाती है। बाकी जो CHO बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं से काम चलता है प्लांट की ग्रोथ का। तो उनमें से 2.7% जिसको एवरेज कहते हैं, ये ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मेजर फर्टिलाइजर जो अप्लाई करते हैं वो इन्हीं के होते हैं, जैसे यूरिया है, DAP है, MOP है। अब जो लेटेस्ट इसमें क्वेश्चन कई बार आता है कि लेटेस्ट जो एलिमेंट ऐड हुआ था वो हुआ था निकिल। अब निकिल जो ऐड हुआ था वो 1987 में लास्ट ऐड हुआ था, उसके बाद कोई एसेंशियल एलिमेंट की श्रेणी में ऐड नहीं हुआ था। अब ये एसेंशियल एलिमेंट्स का क्राइटेरिया आया कहाँ से, ये आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया था। कब दिया था, 1939 में। इसने क्या बताया कि एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा होगा, उसका पहला एक जो मेजर पॉइंट होगा वो कि उसके बिना लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती, तो एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, पहला पॉइंट। दूसरी क्या बात होगी कि उस एलिमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, नॉन रिप्लेसेबल होगा, कि इसके जगह वो डाल दो, इसके जगह वो डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड बात, वो एसेंशियल एलिमेंट क्या कहेगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई फिल करता होगा तो उसे क्या कहेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इन 17 में से बात आती है कि कौन कौन सा कहां कहां से मिलता है, तो सीधा सीधा सोचने वाली बात है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कहां से मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से या ऑर्गेनिक कार्बन से, तो एयर से और सोयल से। वाटर कहां से मिलेगा हमें, सोयल से, और कुछ कुछ प्लांट में हाइग्रोस्कोपिक रहता है। ऑक्सीजन हमें एयर से ही मिलती है, बाकी रेस्ट जितने भी मिलते हैं वो हमें सोयल से मिलते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। फिर एसेंशियल एलिमेंट के बाद जो हमारे टॉपिक में दिया गया है एग्जाम में, वो आता है बेनिफिशियल एलिमेंट्स। अब ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स जो एसेंशियल तो है नहीं, यानी उनके बिना लाइफ पूरी नहीं होती ऐसा नहीं है, पर वो स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को। कब, इवन दे आर प्रेजेंट इन स्मॉलर कंसंट्रेशन। अब ऐसे जो एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो एसेंशियल नहीं हो सकते लेकिन यील्ड को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, वो कौन से होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये एलिमेंट्स सर्टेन स्पीशीज में रिक्वायर्ड होते हैं और सर्टेन कंडीशंस में, ये नहीं कि सब प्लांट्स के लिए ऐसा होगा। अगर इनकी गणना देखी जाए तो मोस्टली जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो 8 होते हैं। कौन से होते हैं, जैसे हमने सब ने देखा है कि ज़मीन के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ज़मीन के अंदर सोडियम होता है, एल्युमिनियम होता है, उसके बाद आता है कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन, गैलेनियम और वैनेडियम। ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं सर्टेन कंडीशंस में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बेनिफिशियल एलिमेंट्स इनमें से कौन सा, तो आपके पास सारे 8 के 8 बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कब रिक्वायर्ड होते हैं, सर्टेन स्पीसीज में रिक्वायर्ड होते हैं। कब होते हैं, सर्टेन कंडीशंस में। इवन कब काम करते हैं, स्मॉलर कंसंट्रेशन में। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या करेंगे, करेंगे ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए कुछ लॉ आए, लॉ ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, लॉ ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, लिया लॉ ऑफ ग्रोथ। जो पहला लॉ आता है
है वो है लाइबगला। 1840 में इसको कार्ल स्प्रिंजल ने कोइन किया था, लेकिन 1939 तक आते आते यानी 100 साल तक लगभग इस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो इसका जो काम सबसे ज़्यादा, जिसको इस लॉ ऑफ मिनिमा को जिसने कोइन किया या जिसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ, वो थे जस्टिस वॉन लाइबग। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। तो इसने क्या बताया कि अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रचुर मात्रा में है और एक की कमी है, तो वो ग्रोथ उस एक एसेंशियल एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। उसने इसके लिए क्या किया, एक ऐसा बर्तन लेके समझाने की कोशिश की। अब इसने क्या किया, ये यहाँ से तोड़ दिया बर्तन को। तो ये कहता है इस बर्तन के अंदर आप जितना भी पानी डाल दोगे, वो पानी कहाँ किस बात पर, ये मान लो NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमने जस्ट एग्जाम्पल ले लिया। तो ये क्या कहता है कि प्लांट की ग्रोथ और यील्ड किस बात पर निर्भर करेगी कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स में सबसे कम है, और जैसे जैसे उस एसेंशियल एलिमेंट को बढ़ाते जाएंगे यील्ड इंक्रीज होती जाएगी। तो इस इंक्रीज को क्या कहते हैं, अगर इसमें और पानी डालते जाएंगे तो पानी इसके अंदर से और फ्लो होता जाएगा, अगर इसको और बढ़ा देंगे तो और पानी स्टोर होगा, और कर देंगे तो और स्टोर होगा, और ज़्यादा कर देंगे तो और स्टोर होगा, और फुल कर देंगे तो फुल यील्ड देगा। तो इसने ये कहा कि जो एसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट की ग्रोथ का, वो जब तक डेफिशिएंट एलिमेंट पूरा नहीं होता तब तक उसकी मैक्सिमम यील्ड नहीं आ सकती। ये बात किसने बताई, लाइबग ने बताई 1939 में। उसके बाद आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसे ब्लैकमैन ने दिया था 1905 में। उसने क्या कहा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो सेवरल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट क्या होगा, सेवरल फैक्टर्स से कंट्रोल होने के बाद भी वो क्या एज रैपिड एज इंक्रीज, किस बात पे इंक्रीज करेगी, एज द स्लोएस्ट फैक्टर इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने ग्राफिकली देखें तो मान लो ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मान लिया हमने कोई लो इंटेंसिटी की है रेडिएशन की, ये मीडियम इंटेंसिटी है और ये हाई इंटेंसिटी है। इसमें क्या कहा, ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी जब तक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहेंगे, कहाँ पर, इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर थी इस लो इंटेंसिटी तक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती चलेगी तो वो एक सीमा पे जाके इस इंटेंसिटी पर अगर और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ क्या हुआ, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर थी, अब क्या हुआ लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद हमने क्या किया कि लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर बढ़ती चलेगी, कहाँ तक, मैक्सिमम अप टू मीडियम इंटेंसिटी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ती, क्योंकि क्या हुआ, इंटेंसिटी क्या हुआ, हमारा लिमिटिंग फैक्टर हुआ। उसके बाद हमने और किया, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इंक्रीज करते चले गए तो वो वहां तक बढ़ते चले, इनको मान लो पॉइंट कर दिया ABC, तो सी तक बढ़ती चलेगी, उसके बाद सी से लेगी आगे तक क्या हुआ, इंटेंसिटी सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटो रेस्पिरेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ मिनिमा स्टेट करना चाहता है कि सारे की सारी चीजें हमारे पास बढ़िया है, लेकिन अगर जब तक स्लोएस्ट फैक्टर क्या रहेगा उसमें, तो रैपिडली जहां जहां तक इंक्रीज करेगा उसके बाद क्या आएगा, एक ऐसा लिमिटिंग फैक्टर होगा जिसके बाद ग्रोथ उस लिमिटिंग फैक्टर को बढ़ाने पर निर्भर करेगी। यहाँ पर ग्रोथ बढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर था, यहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर लाइट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लाइट। इसका मतलब जैसे जैसे स्लोएस्ट फैक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, ये ब्लैकमैन ने 1905 में हमें बताया। के बाद आता है मिचलिक लॉ। तो 1909 में ये मिचलिक ने इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था। उसने क्या कहता, पहली बार क्वांटिफाई किया था ग्रोथ को रिलेशन टू ग्रोथ फैक्टर। मिचलिक लॉ स्टेट दैट यील्ड ऑफ अ क्रॉप इज ए रिजल्ट टू इंक्रीज इन द ग्रोथ फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन द मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन बाय इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर न्यूट्रेंट और ग्रोथ फैक्टर। अब इसमें क्या कहना चाहता है, dy/dx = a - y/c। dy/dx क्या है, इंक्रीज इन यील्ड, कब, जब dx अमाउंट का न्यूट्रेंट या फैक्टर डाला जाएगा। a क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड कहलाती है। जब कब होगी मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड, जब सारे के सारे ग्रोथ फैक्टर हमारे पास प्रचुर मात्रा में रहेंगे। फिर है y इज द यील्ड ऑब्टेन बाय गिवन डोज ऑफ फैक्टर x। इसका मतलब क्या हुआ, वो थोड़ी सी यील्ड इंक्रीज हुई थोड़ा सा न्यूट्रेंट डालने के बाद, थोड़ा वो मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड जब सारे फैक्टर्स हमारे पास हो, वाई वो यील्ड जब हमने डीएक्स फैक्टर पूरा डाल दिया हो, और सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, इसको एफिशिएंसी
कोफिशेंट भी कहते हैं। सी क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कोफिशेंट भी कहलाता है। उसके बाद आती है स्पिलमैन इक्वेशन। इस स्पिलमैन इक्वेशन स्पिलमैन नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, और इसने क्या मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की थी कि रिलेशन बिटवीन यील्ड एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर, इसने एक रिलेशनशिप डेवलप किया था। इसने क्या बताया कि जो वाई इज इक्वल टू एम वन माइनस आर एक्स, इसमें क्या है, वाई क्या होगी, यील्ड ऑब्टेन होगी जब एक्स हम ग्रोथ फैक्टर डालेंगे, तो एक्स क्या हुआ, ग्रोथ फैक्टर, एम क्या हुई, मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड। तो इसने ये बताना चाहा कि अगर हम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मेटल डालते हैं तो वो कैसे यील्ड को इंक्रीज करता है और कितना इंक्रीज करता है, तो ये रिलेशनशिप आता है, और आर हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसमें फिर मैंने एक चीज़ और ड्राइव करने की कोशिश की, इसने क्या किया कि कंबाइन किया अपने इक्वेशन को प्लस मेचरलिक इक्वेशन को, तो इसने क्या पाया, वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस वाई, मेचरलिक इक्वेशन पड़ा था लॉग ए माइनस वन माइनस सी एक्स। इसने इसमें यह क्या कहना चाहता है, वाई तो क्या हुई, जो मैक्सिमम यील्ड आती है, जो यील्ड ऑब्टेन हुई कब, जब हमने ग्रोथ फैक्टर कोई एक्स अप्लाई किया था, ए क्या हुई, मैक्सिमम यील्ड हुई, और ये यील्ड कब होगी, जब हमने डी एक्स या एक्स फैक्टर डाल दिया। अब क्या हुआ, लॉग ए इसमें भी क्या हुआ, मैक्सिमम यील्ड, सी कांस्टेंट, और एक्स इज द फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, या डी एक्स इसको कुछ ही बोल दो, ये क्या है, ग्रोथ फैक्टर की क्वांटिटी, और ये एक्स किस, सॉरी जो सी है ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ग्रोथ फैक्टर, और ये नेचर ऑफ ग्रोथ फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट की स्पीसीज पे, रो अरेंजमेंट पे, प्लांट पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास दो मैथमेटिकल इक्वेशन हुई, पहली किसने दी थी, मिचरलिक ने, दूसरी स्पिलमैन ने, वाई इज इक्वल टू एम वन माइनस आर एक्स, और जब इसने दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास आई क्या आई, वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस सी एक्स। तो इसमें दोनों जगह क्या होगा, ए मैक्सिमम यील्ड रहेगी, वाई कौन सी यील्ड रहेगी, जो ग्रोथ फैक्टर डालने के बाद हमें मिलती है, और एक्स क्या है, वो क्वांटिटी है ग्रोथ फैक्टर की जो हमने डाल दी, जिसके बाद ये वाई वाली यील्ड हमें मिली थी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं कि कितना न्यूट्रिएंट डालने के बाद कितनी यील्ड इंक्रीज हुई। उसके बाद दो ला, छोटे छोटे ला हैं, वो है इनवर्स नाइट्रोजन ला। तो ये इनवर्स नाइट्रोजन ला किसने दिया था, विलकॉक्स ने दिया था, कब दिया था, 1929 में। ये क्या कहना चाह रहा था इनवर्स नाइट्रोजन लो, कि पावर ऑफ ग्रोथ ऑफ ए क्रॉप प्लांट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन द ड्राई मैटर। इसमें ये क्या कहना चाहता है कि क्रॉप के ड्राई मैटर में जितना ज़्यादा एन कॉन्टेंट होगा उसकी ड्राई मैटर प्रोडक्शन उतनी ही कम होगी। एक बात फिर दोबारा दोहराएं कि अगर हमने कोई क्रॉप का प्लांट हार्वेस्ट कर लिया और उसके हम इंटरनल भी जाके स्टडी करते हैं उसकी हम, तो उसमें अगर नाइट्रोजन का कॉन्टेंट ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब उसकी ड्राई प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रहेगी। और इसका उल्टा भी है, अगर जिस क्रॉप के प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का कॉन्टेंट कम रहेगा उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए उल्टा है, इसलिए इसका नाम है इनवर्स नाइट्रोजन ला। उसके बाद आता है पॉवर्टी एडजस्टमेंट ला। इसको 1936 में मैकी नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था, और उसने क्या प्रपोज किया था, रिलेशनशिप बिटवीन सफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रेंट एंड इट्स कंटेंट इन द प्लांट। ये तो क्या था, उल्टा था। उसने ये क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम प्लांट के ड्राई मैटर को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कितने सफिशियंट था, डेफिशिएंट था, या लग्जरी कंजम्पशन थी। तो ये क्या कहना चाहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ ए ग्रोथ फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मिनिमम परसेंटेज रेज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी प्लांट की डेफिशिएंसी कब मानी जाती है, जब तक उसकी मिनिमम परसेंटेज रीच नहीं कर जाती, तो वो क्या कहलाती है, डेफिशिएंसी कहलाती है। और ये डेफिशिएंसी वाली जो लिमिट होती है, क्रिटिकल लिमिट, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल स्टेज या क्रिटिकल लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इस क्रिटिकल लिमिट से अगर ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, लग्जरी कंजम्पशन। प्लांट ज़्यादा हार्वेस्ट कर लेता है लेकिन यील्ड में उतना फ़ायदा नहीं होता, और अगर इसके नीचे रह जाती है तो उसको बोलते हैं पॉवर्टी एडजस्टमेंट। इसलिए इसका नाम भी रखा पॉवर्टी एडजस्टमेंट लॉ, कि प्लांट क्या करता है, जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट करता है, जुगाड़ करता है, वो जुगाड़ क्या कहलाता है, पॉवर्टी एडजस्टमेंट कहलाता है। उसके बाद आती है बाले। बाले जो यूनिट है वो जर्मन एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था बोले, उसने डिजाइन किया था मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और यील्ड के बारे में और ग्रोथ के बारे में। तो उसने क्या किया कि बाले यूनिट उस यूनिट को कहा जो मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड होती है,
उसका प्लस में जो ये जो वाले यूनिट डालने से पहले जो यील्ड आई उनके डिफरेंस का 50% यील्ड जो दे दे उसको क्या कहते हैं, वाले यूनिट कहते हैं। तो इसको अब क्या कहेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड विद द डिफरेंस ऑफ द यील्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दिस यूनिट। तो उसे क्या कहेंगे, वाले यूनिट कहेंगे। एग्जाम्पल इसने जो डिजाइन किया उसमें बताया इसने NPK की जो यूनिट्स आई वाले यूनिट्स वो N के लिए 233, P के लिए 45 और K के लिए 76 पाउंड्स हुई। तो इसने क्या कहा कि एक वाले यूनिट दूसरे न्यूट्रेंट के वाले यूनिट के बराबर होगी, यानी हम ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजन के 223 पाउंड इज इक्वल टू फॉस्फोरस के 45 पाउंड इज इक्वल टू पोटास के 76 पाउंड, ये बात बराबर होती है, यानी यह सब एक यूनिट ही कहलाएगी। वो ये यूनिट कौन सी यूनिट है जो मैक्सिमम यील्ड और ये यूनिट अप्लाई करने के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर ये यूनिट डाल देते हैं 76 पाउंड्स ये 45 पाउंड फॉस्फोरस या 223 पाउंड्स हम नाइट्रोजन के डाल देते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस का 50% यील्ड वो देती है। तो अगला है ब्रे न्यूट्रेंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये आर ब्रे ने दिया था। तो ये इसको क्या कहते हैं, मॉडिफाइड बोले मिचरलिक एंड स्पेलमैन इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इन तीनों का समन्वित क्या होता है तो ब्रे मोबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या बताना चाहता है कि किसी भी न्यूट्रेंट को किस सोयल में डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, इसका मतलब वो प्लांट मैक्सिमम यील्ड लेने के लिए उस न्यूट्रेंट को हार्वेस्ट करता है और वो उसकी मोबिलिटी सोयल से प्लांट की तरफ बढ़ जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रे मोबिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसने मिचलिक इक्वेशन को मॉडिफाइड किया, जो मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है जो आएगी वो क्या होगी, लॉग ए माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ए माइनस यहाँ सी बी, यहाँ क्या था मिचलिक इक्वेशन, सी एक्स माइनस सी एक्स। तो इसने क्या किया, ये बताना चाहता था ब्रे मोबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है कि ये क्या हुई मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड, वाई क्या होगी एक्चुअल यील्ड, सी क्या होगा कॉन्स्टेंट जो पिछली बार भी था कौन सा क्रॉप कॉन्स्टेंट, बी क्या होगा सोयल टेस्ट कॉन्स्टेंट की सोयल टेस्ट के जो बेसिस होगा उसके ऊपर कितनी उस रिक्वायरमेंट है, कितने यूनिट डाली जाएंगी, कितना हार्वेस्ट हुआ, प्लस जो अप्लाइड फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी है वो क्या कहलाती है, बी कहलाती है, बी कॉन्स्टेंट कहलाती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रे मोबिलिटी कॉन्सेप्ट से उस न्यूट्रेंट से पैदा होने वाली मोबिलिटी और उससे पैदा होने वाले यील्ड दोनों का पता लगा सकते हैं। वो कहता है मैं उसके ख्याल छोड़ दूं, ये क्या बेतुकी बात है, मैं जिंदा रहूं और सांसें छोड़ दूं, तेरी नजाकत मेरे जहन में ठसक के बैठी है, मैं भी दुनियादार न हो जाऊं जो तुझे छोड़ दूं, ये जो तेरे नैना है ना चुप रहते ही नहीं, तू ही बता इल्म कोई क्या ये कहानी अधूरी छोड़ दूं, जब कोई खंजर ख्वाब कुतरने लगे और मैं रोऊं गम गुसार नफस में रहे तू और तुझे बुलाना छोड़ दूं, ये परिंदाए दिल नफस से रिहा कर दिया वो लौट आएगा चलो माही दरवाज़ा खुला छोड़ दूं। दोस्तों हम तीन चार अगली क्लासेज में जो सोयल वाले टॉपिक्स हैं ये सारे क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नया एडियो का चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।